everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic and this is first made in India fountain pens. इस वीडियो में हम उन फाउंटेन पेंस का जिक्र करेंगे जो पहली बार भारत में बनाए गए थे, पूरी तरीके से स्वदेशी थे, इंडिजिनसली मेड थे. तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. शुरू करते हैं. फर्स्ट मेड इन इंडिया फाउंटेन पेंस 1921 के अंदर आंध्र प्रदेश के एक छोटे से टाउन राजा मुंद्री से एक ज्वेलर जिनका नाम था कसूरी वेंकट रत्नम गांधी जी से मिलते हैं. जब वो गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो सब ही इंडियंस काम में ले सके, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हर भारतीय काम में ले सके. 1932 के अंदर वेंकट रत्नम जी अपनी एक कंपनी सेट करते हैं जिसका नाम है रत्नम पेन वर्क्स. रत्नम पेन वर्क्स नाम से कंपनी सेटअप करते हैं और एक फाउंटेन पेन गांधी जी को देते हैं, उन्हें भेजते हैं, लेकिन गांधी जी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं. वो फाउंटेन पेन लेने से मना कर देते हैं. उनका कहना था कि इस फाउंटेन पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा है वो इम्पोर्टेड है, वो इंडियन नहीं है, राइट, इंडिया का नहीं है, उसे बाहर से इम्पोर्ट किया गया है. लेकिन बाद में जो इंडियन विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इसके जो सेक्रेटरी थे, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे जेसी कुमारप्पा, ये एक गांधियन इकोनॉमिस्ट थे, वो रत्नम से मिलते हैं. तो रत्नम वो स्वदेशी पेन, एक इस बार वो एक बिल्कुल इंडियन मटेरियल से बना हुआ एक पेन बनाते हैं, फाउंटेन पेन बनाते हैं, वो एक स्वदेशी पेन था. वो जेसी कुमारप्पा जी को देते हैं कि आप ये गांधी जी को दे देना. कुमारप्पा जी वो पेन गांधी जी को देते हैं और इस बार गांधी जी वो पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं. ना केवल वो एक्सेप्ट करते हैं बल्कि एक लेटर भी लिखते हैं रत्नम को, राइट. उस लेटर में गांधी जी लिखते हैं, डियर रत्नम, आई हैव यूज द फाउंटेन पेन. आपने मुझे जो पेन दिया था मैंने उसे काम में ले लिया. एंड इट सीम्स टू बी अ गुड सब्स्टिट्यूट टू द फॉरेन पेन वन सीज इन द बाजार. बाजारों में जो विदेशी पेन मिल रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है आपका ये पेन. आपका पेन हर एक इंडियन अब काम में ले सकता है, बिल्कुल इंडिजिनसली मेड है, इसमें आप इम्पोर्टेड मटेरियल अब आपने काम में नहीं लिया. तो मैंने आपका ये फाउंटेन पेन काम में लिया, मुझे पसंद आया और ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है विदेशी पेन्स का. रिपोर्टेडली द नेम्स ऑफ ईच पेन वर बी स्पोकन फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस. फॉर जर्नलिस्ट द निब वॉज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट वॉज पॉसिबल टू राइट फ्रॉम एनी एंगल. रत्नम जी ने जितने भी पेन बनाए वो हर एक प्रोफेशन के लिए अलग पेन बनाते थे. जैसे जर्नलिस्ट के लिए वो एक ऐसी निब का पेन बनाते थे जो हर एक एंगल से लिख सके, वही डॉक्टर के लिए वो एक बहुत ही थिकर निब का पेन बनाते थे. तो हर एक प्रोफेशन के हिसाब से उनकी कंपनी पेन बनाती थी. उनके जो पेन हैं उसको अलग अलग लीडर्स ने पेट्रनाइज़ किया है, अलग अलग लीडर्स उसको यूज़ करके उसका एक पूरी तरीके से पेट्रनाइज करने का काम किया है, जैसे महात्मा गांधी जी. उसके अलावा मैसूर, जयपुर और विजयनगर के महाराजाओं ने भी उसे पेट्रनाइज किया है. रत्नम पेन वर्क्स के जो पेन है, रत्नम सेन पेन है, इन पेन्स को प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक ने इन्हें यूज़ किया है. उसके अलावा रत्नम जो पेन वर्क्स है, जो कंपनी है, इसके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं. 2012 के अंदर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इन्होंने एक रिकॉर्ड इनके नाम हुआ, केवी रमना मूर्ति, ही मेड अ मिनिएचर फाउंटेन पेन, एक बहुत ही छोटा फाउंटेन पेन जिसकी लेंथ सिर्फ 3.5 सेंटीमीटर और वेट 1.7 ग्राम था. ये पेन इन्होंने बनाया और ये एक रिकॉर्ड बन गया जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज किया गया. इस पेन को बनाने के लिए इन्होंने इबोनाइट का प्रयोग किया और साथ ही इसकी निब को बनाने के लिए 2.22 कैरेट गोल्ड का प्रयोग किया गया. इसकी निब के ऊपर मदर इंडिया और महात्मा गांधी की पिक्चर्स को एनग्रेव किया गया. आप उस पेन की ये इमेज देख सकते हैं, इतना छोटा ये पेन है, राइट.
इनके ऊपर मदर इंडिया और महात्मा गांधी जी की पिक्चर्स को इन्होंने इस पर एनग्रेव किया, तो इसके लिए इनको जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर इनका रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। तो आई होप आपको फाउंटेन पेंस की, इंडिया के पहले इंडिजिनसली मेड फाउंटेन पेंस की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।